आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने क्लैपिंग की मदद से लाइट ऑन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं और कंपोनेंट में जाके यहाँ से मैं आर्डिनो उठाता हूँ। डबल क्लिक किया, आर्डिनो आया। उसके बाद आपको चाहिए एक साउंड सेंसर। ठीक है, इसको माइक सेंसर भी कहते हैं, साउंड सेंसर भी कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं होगा, अगर आपके पास एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप ये लाइब्रेरी डाउनलोड करें। और ये तीनों फाइल जो है, जाकर जहाँ पर आपके पास प्रोटीज फाइल पड़ा है उसकी लाइब्रेरीज में पेस्ट कर दें। ठीक है, यानी अगर मेरे पास लाइब्रेरी जो प्रोटीज फाइल है वो मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो लाइब्रेरी जो है, इसमें आप जाकर पेस्ट कर दें। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है तो पेस्ट नहीं होगा, अगर आपके पास नहीं है तो उसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद इसको बंद करके दोबारा आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऐड हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी नहीं पता, नहीं समझ आ रही कि कैसे ऐड की जाती है, तो मैंने लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दिए, वहाँ पर मैंने एक सेंसर ऐड किया जिससे आप हेल्प कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कैसे आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ये जो साउंड सेंसर है ये उठाता हूँ, ये डबल क्लिक किया। उसके बाद आप एक रिले उठाएंगे, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, रिले उठाने के बाद डबल क्लिक करें। एसी पावर चाहिए, अल्टरनेटर चाहिए हमें, जारी बात हमने लाइट ऑन ऑफ करना है, एसी लाइट, तो डबल क्लिक किया। उसके बाद लैंप हमें चाहिए, लाइट लैंप। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये तकरीबन आपके पास आ गए हैं सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ से सबसे पहले आर्डिनो उठाता हूँ, आर्डिनो को यहाँ पर रखें और उसके बाद आप रिले उठाएं। ठीक है, रिले को यहाँ पर रख दें। यहाँ पर रखने के बाद आप अल्टरनेटर उठाएं, अल्टरनेटर को आप यहाँ पर रख दें और इसको यहाँ पर आप इंटरफेस कर दें। ठीक है, इसको आप 12 नंबर पिन से कनेक्ट कर दें, इसको ग्राउंड भी कर दें। ठीक है, साथ में आर्डिनो को भी आप ग्राउंड कर दें। आर्डिनो को ग्राउंड कर दें, पावर भी दे दें। ठीक है, इसको जो है यहाँ पर आप लैंप लगा दें, लाइट लगा दें, और लाइट लगाने के बाद इसको आप कनेक्ट कर दें। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दें। इसको आप 220 वोल्ट बना दें। ठीक है, एसी पावर सप्लाई है और इसको फ्रीक्वेंसी भी दे दें। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आप 5 वोल्ट इसको बना दें 12 वोल्ट की बजाय। उसके बाद जो है आपने सेंसर उठाना है, सेंसर यहाँ पर रख दें आप, और इसको मैं एक्स मिरर पे रोटेट कर देता हूँ ताकि हम इसको यहाँ पर टॉगल स्विच लगाएंगे। टॉगल स्विच मैं यहाँ से उठाता हूँ, मैंने टॉगल स्विच या लॉजिक स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, लॉजिक स्टेट मैं यहाँ से उठाता हूँ, डबल क्लिक किया और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसको हमने यहाँ पर इंटरफेस करना है। ठीक है, मैंने लगा दिया। इसको भी आप पावर वगैरह दे दें। ठीक है, जहाँ पावर चाहिए VCC की कोई ज़रूरत है वहाँ से VCC दे दें, जहाँ ग्राउंड की ज़रूरत है वहाँ इसको ग्राउंड दे दें। ठीक है, और वी आउट जो है उसको आप किसी भी डिजिटल पिन से आप इंटरफेस कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 2 नंबर पिन से इंटरफेस करता हूँ। ठीक है, तो अब करना ये हमने, इसके लिए सबसे पहले हमने कोड लिखना है। कोड हमने यूँ लिखना है कि जब भी कोई क्लैप करे और ये क्लैप की साउंड सुने, तो इसने ये करना है कि ये जो हमारे पास लाइट है इसको इसने चंद सेकंड के लिए ऑन रखना है, उसके बाद खुद ब खुद ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कोड मैंने लिख दिया है ताकि टाइम की बचत रहे। और मैं यहाँ पर मैंने सेंसर पिन बता दिया कि 2 नंबर से सेंसर पिन कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं, और 12 नंबर से रिले कनेक्टेड है, तो लाइट पिन या रिले पिन। ठीक है, उसके बाद मैंने वो एक एज अ इनपुट है, एक एज अ आउटपुट है, तो वो भी मैंने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर सेंसर से जो भी वैल्यू आएगी वो हम सेंसर वैल्यू में स्टोर करेंगे, एक वेरिएबल में, यानी डिजिटल रीड सेंसर पिन। ठीक है, सेंसर पिन से जो भी आ रही, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आया उसने कोई क्लैप साउंड डिटेक्ट किया है नहीं, तो हम कहेंगे इफ साउंड सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू हाई, अगर वो हाई है तो उसने, इसका मतलब है उसने क्लैप साउंड डिटेक्ट किया है, तो क्या करेगा, लाइट को जो है ऑन कर देगा चंद सेकंड के लिए। मैंने 300 मिली सेकेंड लेके, आप ड्यूरेशन ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि डेमेज दे रहा हूँ मैंने थोड़ा कम अर्सा लिखा है। उसके बाद ये खुद ब खुद ऑफ होना जाना चाहिए, अगर ये एक सिचुएशन नहीं है तो ये अब हम लाइट जो है वो ऑफ ही रहेगी। तो इसको मैं रन करता हूँ, और रन करने के बाद इसका जो एड्रेस होगा जो हेक्स फाइल का, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर आएँ,
और इसमें आप राइट क्लिक करके पुट कर दें, ठीक है। याद रहे अभी भी अगर आप मैं रन करूँगा तो ये एरर देगा, क्योंकि इसमें भी एक अपने एक हेक्स फाइल देना, और ये इंतहाई ज़रूरी है। जैसे ही मैं अगर रन करूँगा एरर आएगा, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके, जो मैंने लाइब्रेरी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, जिप फाइल है, उसको आप अनजिप करें तो इसमें देखें आप एक हेक्स फाइल पड़ी है यहाँ पर। यहाँ से हेक्स फाइल देख सकते हैं, डॉट हेक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेंसर के ऊपर एडिट प्रॉपर्टीज पे जाएं और यहाँ से इसको ओपन कर दें। जहाँ पर भी आपके पास पड़ा है, मेरे पास यहाँ पर पड़ा है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। देख सकते हैं आप इसमें डॉट हेक्स फाइल पड़ा है, यहाँ पर भी आप टाइप दे सकते हैं हेक्स फाइल है, ओपन कर दें, ओके कर दें। अब इसको रन करेंगे तो ये कोई इशू नहीं देगा, ठीक है। देख सकते हैं आप रन हो रहा है। तो अब चूँकि कोई भी इसने क्लैप डिटेक्ट नहीं किया है, ये ज़ीरो है, तो इसका मतलब कोई क्लैप नहीं। इसको मैं अगर मतलब चेंज करता हूँ, जैसे ही देख सकते हैं आप, मैंने इसको जैसे ही इसको वन किया तो आपने देखा था कि वो ऑन हो गया। दोबारा मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ 1 सेकंड के लिए, देखिए थोड़े से अर्से ही नहीं, जैसे ऑन ऑफ करता हूँ यानी क्लैप उसने डिटेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं ये ऑन हो जाता है। दोबारा करता हूँ और बंद कर देता हूँ सीधा। आप देख सकते हैं जितना ड्यूरेशन मैंने दिया कोडिंग में, उतने ड्यूरेशन के लिए ऑन रहता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। दोबारा आप देखें, देखिए ऑन है, उसके बाद ऑफ। देख मसलसल अगर मैं क्लैपिंग करूँगा 2-3 बार उसने देख लें, तो देख सकते हैं आप, उसके बाद मैं जैसे ऑफ करूँगा थोड़ी चंद सेकेंड के बाद, जो जितना टाइम मैंने दिया उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो और आपने कुछ ना कुछ इससे सीख लिया हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं मेरे चैनल को, और इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो आपका किसी किस्म का तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं जो सर्किट डायग्राम है, कोड है, और जो लाइब्रेरी फाइल है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ एक वीडियो भी दी है कि कैसे ये आपने ऐड करना है, इस तरह के जो बाकी भी एक्सटर्नल सेंसर होते हैं। तो उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।